तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो एमसीए T20 सुपर सीरीज स्टार्ट हो रही है उसका भाई आज के दिन का पहला मैच और टूर्नामेंट का भी भाई ये पहला ही मैच है जो कि खेला जाएगा यहाँ पर भाई वॉरियर्स वर्सेज स्ट्राइकर्स के बीच में। तो देखो भाई यहाँ पर है ना काफी सारे ऐसे प्लेयर्स आपको मिलेंगे जिनका सलेक्शन 10% 20% और यहाँ तक कि इनसे भी कम होगा और भाई वो प्लेयर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले क्यों और कैसे वो अभी आपको आगे पता चलेगा। वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखोगे तो इजीली भाई आप यहां पर काफी अच्छी जैकपॉट विनिंग करने वाले हो तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लेना। दूसरी बात अभी जो मैं बात करूंगा वो सिर्फ एक डेमो टीम होगी, फाइनल टीम आपको इस मैच की मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो अभी के अभी जाइए भाई और टेलीग्राम चैनल आपको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए भाई बात करते हैं मैच के मतलब जो स्टैट्स के बारे में। वेन्यू की बात करें तो भाई किनरारा अकेडमी ओवल लंपर में मैच होने वाला है। अगर डेट एंड टाइमिंग की बात करें तो 3 मार्च यानी कि आज ये मैच खेला जाएगा 4:30 पर। अभी 3 बज चुके हैं यानी कि 1 घंटा 30 मिनट हमारे पास है अभी और आपको जब वीडियो मिलेगी तब ऑलमोस्ट 1 घंटा ही बचेगा। तो वीडियो जब भी आपको मिले कंप्लीट वॉच कर लेना है। बात करें अगर पिच रिपोर्ट की तो न्यूट्रल विकेट है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों के लिए इक्वली हेल्प होने वाली है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 140 से 160 के बीच में रहेगा। वेदर की बात करें तो भाई पार्शली क्लाउडी रहेगा बट बारिश के चांसेस भी यहाँ पर 60% दिखा रखे हैं। अभी जो मैंने वेदर चेक किया है वीडियो बनाते टाइम तो इस पर टाइम भाई 60% बारिश के चांसेस है। बाकी मैच जो भी होगा कंप्लीट होगा तो 100% आपकी विनिंग होने वाली है। बात करें अगर यहां पर टोटल मैच जो खेले गए T20 के रिसेंट कुछ टाइम में उसमें से भाई 12 मैच खेले गए, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 6 मैच जीते, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 6 मैच जीते हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर टॉस का रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला, जो भी टीम यहां पर अच्छा खेल दिखाएगी वो यहां पर इजीली विनिंग करने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगेन मैं आपको याद दिला दूं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर बाय चांस लिंक वर्क ना करे तो आपको ये सर्च कर लेना @KPM Fantasy Expert। अब बात कर लेते हैं भाई जो वॉरियर्स हैं उनकी जो मतलब क्या है भाई प्लेइंग 11 के बारे में और प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में। यहाँ पर अगर बात करें अम्मार हजालन की तो आप देख सकते हो 152 मैचेस में 1800 रन है, बेहतरीन प्लेयर है, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिख जाएंगे। वही अगर बात करें जुबैदी जुल्किफी तो वही 127 मैच में 2300 से ज्यादा रन और 5 विकेट है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। सलेह सैदमैन भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, ओपनिंग करेंगे और कंप्लीट 4 ओवर की बॉलिंग आपको करते हुए नजर आ सकते हैं। 36 मैच में 726 रन और भाई यहाँ पर 38 विकेट भी निकाल रखे। मोहम्मद नाजरुल रहमान की बात करें तो 161 मैचेस में भाई यहां पर आप देख सकते हैं 2000 रन और 138 विकेट है, बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंस प्लेयर है और भाई यहां पर अपनी टीम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। शारवीन मुनैदी की बात करें तो 183 मैचेस में 2600 रन और 123 विकेट है, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा भाई बात करें रिजवान हैदर की तो 42 मैच में 45 विकेट है। इसके अलावा अगर थोड़ा नीचे चलोगे तो वाइब ज्यादा दिखेंगे आपको, 23 मैच में 15 विकेट, 61 रन भी बनाए इन्होंने। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर मोहम्मद रिफकी ईमान खामिश की तो 92 मैच में यहाँ पर भाई आप देख सकते हो 63 विकेट और भाई 1000 से ज्यादा रन भी है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है। वही अगर बात करें मोहम्मद वाकिफ इरफान जोरबानी की तो आप देख सकते हो 131 मैच में 137 विकेट है, बेहतरीन विकेट टेकिंग गेंदबाज और अपनी टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर रहने वाला है। तो इसको भी आप अपनी स्मॉल लीग की टीम में ट्राई कर सकते हो और जीएल में तो आपको जरूर से जरूर इसे ट्राई कर ही लेना। स्ट्राइकर्स की बात करें तो यहां पर भाई आपको दिखेंगे वीरनदीप सिंह 200 मैच में 6000 ऑलमोस्ट 6000 रन है और 171 विकेट भी है। तो ऐसे आपको पता लग गया होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर ये आपके लिए होने वाला है। भाई अगर बात करें शंकर सतीश की तो भाई 98 मैचेस में 1200 से ज्यादा रन और भाई 48 विकेट भी इन्होंने निकाल रखे हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। वही अगर बात करें अनास मलिक की तो आप देख सकते हो 29 मैच में 400 रन और भाई 5 विकेट इन्होंने निकाल रखे हैं। अमर उजैर फिरकी की बात करें तो भाई 46 मैच में 331 रन, इंपॉर्टेंट प्लेयर ये भी आपके लिए रहेंगे। फीतरी शाम की बात करें तो भाई 178 मैचेस में 917 रन और 210 विकेट है। भाई गेंदबाजी लेवल अगर देखा जाए तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, T10 में टीम्स की कप्तानी भी करते, काफी सारे क्लब्स की तरफ से खेलते, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाले, 100% आपकी टीम में होना चाहिए। इसके अलावा भाई एनुल हफीज की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 172 मैच में 2400 ऑलमोस्ट 2500 रन और भाई
यहाँ पर 40 विकेट भी निकाल रखे हैं। मोहम्मद सुराइन फीतरी की बात करें तो भाई 135 मैच में 103 विकेट है, 1600 से ज़्यादा रन भी है, तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहने वाले हैं। वहीं अगर बात करें देवेंद्रन मोगन की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भाई 171 मैच में 159 विकेट है, बेहतरीन गेंदबाजी करके आपको दे सकते हैं, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। एमल खान मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, 44 मैच में 40 विकेट, 300 से ज़्यादा रन है। अनवर रहमान की बात करें तो ये भी आपके लिए एक मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, 185 मैच में 216 रन और 637 रन है। वहीं अगर बात करें थोड़ा सा मगर नीचे चले यहाँ पर, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि हाँ अब सही शो होगा भाई, तो यहाँ से देखो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो सरवीन सुरेंद्रन की बात करें तो 138 मैच में 1000 से ज़्यादा रन और भाई 102 विकेट भी इन्होंने निकाल रखे हैं। तो यहाँ से अब दोनों टीम्स की तरफ से अगर मेन मेन प्लेयर मैं आपको मार्क करके बताऊँ तो आप यहाँ से देख सकते हो जो अहमर हजलान है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर बात करें तो जुबैदी जुल्किफी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, सलेह सैदमैन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा भाई मोहम्मद नाजरुल रहमान की बात करें तो इन्हें भी आप जरूर से ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भाई शार्विन सैंडी की बात करें तो इन्हें आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई करो, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बैटिंग करेंगे तो ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं छोड़ पाएंगे। रिजवान हैदर मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, विकेट टेकिंग गेंदबाज है, टाइम आने पर बैटिंग भी अच्छी खासी करके दे देता है। वाइज ज्यादा की बात करें तो जीएल मिनी जीएल में ट्राई करो, स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हो। मोहम्मद रिफकी इमान काजिम कामिस की बात करें तो भाई आप देख सकते हो 92 मैच इन्होंने खेले, 63 विकेट निकाले, जीएल मिनी जीएल के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। नीचे अगर बात करें मोहम्मद वाकिफ इरफान जबरानी की तो ये भी भाई जीएल मिनी जीएल के साथ साथ जीएल में निजीएल में तो इन्हें कैप्टन बना दो, स्मॉल लीग में आप इसे एज ए प्लेयर लेके जा सकते हो। वहीं अगर बात करें यहाँ पर स्ट्राइकर्स की टीम की तो यहाँ पर आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट रहेगा, वीरनदीप सिंह मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे। इसके अलावा भाई शंकर सतीश जीएल में निजीएल में ट्राई करो, स्मॉल लीग में एज ए प्लेयर अगर आप गेम चेंजर प्लेयर के तौर पर ट्राई कर रहे हो तो एक अच्छी बात है, अदरवाइज ड्रॉप करके चल सकते हो। अनस मलिक मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो अमर उजैर इनको भाई जीएल में निजीएल में ट्राई करो, फीतरी शाह मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे। अनुल हफीज की बात करें तो मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे। इसके अलावा भाई बात करें मोहम्मद फीतरी की तो जीएल मिनी जीएल के साथ साथ स्मॉल लीग में भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भाई जो देवेंद्रन मोर्गन है भाई जीएल मिनी जीएल में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि भाई बैटिंग काफी नीचे आ रही है और भाई बॉलिंग मतलब इनके आप समझ सकते हो कि यहां पर मतलब विकेट बॉलिंग में ही निकालेंगे, बैटिंग इतनी कुछ खास कर नहीं पाएंगे। एमएल खान की बात करें तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा। अनावर रहमान की बात करें तो मस्ट पिक प्लेयर, 185 मैच में 200 से ज्यादा रन है, विकेट है। वहीं अगर बात करें यहां पर 138 मैच में 102 विकेट निकाले सरविंद सुरेंद्रन ने तो इन्हें आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कर सकते हो। अब चलिए भाई मैं आपको डेमो टीम बना के यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो डेमो टीम की अगर हम यहाँ से बात करें तो भाई आपको यहाँ पर देखो यहाँ पर भाई अभी टीम किसी ने बनाई नहीं है, तो यहाँ पर सबका सिलेक्शन 0% आपको दिख रहा होगा। अब भाई मैं लेके चलता हूँ आपको ड्रीम इलेवन पर और वहाँ पर मैं आपको असली खेल दिखाता हूँ कि हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर्स के साथ क्या हो रहा है और उनके स्टेट्स किस प्रकार से आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो चलिए भाई ड्रीम इलेवन पर एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भाई देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखो अमर अजलान आपके लिए एक मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, यहाँ पर सिर्फ 10% सलेक्शन है। इसके अलावा यहाँ पर वीरनदीप सिंह भी आपके लिए एक मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, जेड जुल्किफी मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। शंकर सतीश को आप ड्रॉप करके चल सकते हो। इसके अलावा एस कार्तिक को तो मैं बिल्कुल भी पिक नहीं करूँगा। यहाँ से अगर बात करें अनस मलिक की तो 100% हमारे टीम में रहेंगे। सलेह सैदमैन का सलेक्शन आप देख सकते हो 11% है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई काफ़ी सारे प्लेयर आपको मैं ऐसे दिखा दूंगा जिनका सलेक्शन 10% से कम या उसके आसपास होगा। यहाँ पर एस मुनरेद्दी बात करें तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, मैं अभी के लिए ड्रॉप कर रहा हूं। ये हफीज हमारी टीम में इंपॉर्टेंट रहेंगे, फीतरी शाह इंपॉर्टेंट रहेंगे, मिचेल माची है भाई, मिचेल माची के स्टेट्स मैंने आपको प्रोवाइड नहीं करवाए, अदरवाइज भाई बेहतरीन से भी ऊपर के प्लेयर आपके लिए होने वाले हैं। इसके अलावा भाई बात करें रिजवान हैदर, रिजवान हैदर को आप ट्राई कर सकते हो, अगर आप मिचेल माची को नहीं कर रहे हो तो रिजवान हैदर का सलेक्शन आप देख सकते हो भाई यहाँ पर आपको शो हो गया होगा कि सिर्फ भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कितने परसेंट सलेक्शन भाई यहाँ पर 6% और भाई यहाँ पर शाम फीतरी ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले। मैं अभी तभी मैं बोल रहा हूँ भाई फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। यहाँ पर बात करें देवेंद्र मोगन की तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। इसके अलावा भाई बात करें यहाँ से नीचे की तरफ से तो भाई आप एम आफिक को ट्राई कर सकते हो। एक मिनट भाई यहाँ पर भाई मैं थोड़ा सा कुछ चेकआउट करके आता हूँ, ठीक है। तो बॉलिंग सेक्शन भाई यहाँ पर कौन है,
नहीं भाई, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे। इसके अलावा ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे। नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ से भाई आपके लिए एमएल खान मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर्स में से एक रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो अनवर रहमान आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पिक होने वाले हैं। ठीक है, तो टीम हमारी कुछ इस प्रकार की रहेगी। सी वी सी की एक बार बात कर लेते हैं तो कैप्टन भाई हमारे रहेंगे यहाँ से ए हाफिज़, और वी सी की बात करें तो भाई आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो फितरी शाम को, या फिर आप कैप्टन रिजवान हैदर के साथ भी जा सकते हो। फाइनल कैप्टन भी मैं आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पर बताने वाला हूँ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए एक मस्ट पिक प्ले मतलब मस्ट पिक काम सॉरी भाई मस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट काम रहेगा। भाई अगर बात करें टीम की तो टीम आपके सामने, इस टीम के साथ अभी आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको जैकपॉट विनिंग करनी मेरी तरह तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे टेलीग्राम चैनल पर मैच टाइम पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।